हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। पहले देखते हैं आज की कुछ क्वेश्चंस, फिर चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पॉलिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जस्टिस की बात की गई है वो किस टाइप के जस्टिस की बात की गई है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है सोशल जस्टिस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इकोनॉमिक जस्टिस, तीसरा दिया गया है पॉलिटिकल जस्टिस। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से टाइप की ऑप्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से ऑप्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में, देखो हमारा संविधान का जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें 3 तरह की बात जस्टिस की बात की गई है, वो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछती है। तो देखो प्रीएम्बल से ही क्वेश्चन पूछा गया, पर थोड़ा घुमा के पूछा, तो हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि ये है क्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सागरमाला राष्ट्रीय प्रक्षेपण जो परियोजना है उसको लेके। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए गए, पहला ऑप्शन ये दिया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट में कि घरेलू कार्गो की जो लागत घटाने के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का अनुकूलन है वो किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि निर्यात आयात जो कार्गो लॉजिस्टिक है उसमें लगने वाले समय और जो लागत है, कॉस्ट है, उसको कम किया जाएगा। तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि जो बल्क में जो उद्योगों की जो लागत, जो कॉस्ट होती है, उसको लागत को घटाया जाएगा। मतलब सामान है वो बल्क में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा इंडस्ट्रीज के लिए। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि जो पोर्ट या जो बंदरगाह हैं उनके पास एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप किया जाएगा, और जो विनिर्माण क्लस्टर हैं उनकी स्थापना की जाएगी ताकि निर्यात के मामलों में कॉम्पिटिशन है वो और अच्छे ढंग से हो सके। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है सागरमाला राष्ट्रीय प्रक्षेपण परियोजना के बारे में, मतलब सागरमाला परियोजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो हम बात करें सागरमाला परियोजना के बारे में तो चारों के चारों स्टेटमेंट है वो सही है। इसमें पोर्ट हैं उनका भी डेवलपमेंट की बात की गई है, क्लस्टर्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडिया में वो काफ़ी कम हो, ये सब इसमें फोकस है वो क्या गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आप देखो वीडियो को पॉज करके एक बार इसके आंसर वो देख सकते हो, फिर हम यहाँ पे इसको डिस्कस है वो कर ही रहे हैं। तो आप इसका आंसर सोच लिया होगा आपने। हम बात करें, पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है वो एक स्वायत्त एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 30 मेंबर हैं और 8 इसके सहयोग कंट्रीज हैं, जो कि अन्य दूसरों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। मतलब अदर कंट्रीज को जो अफोर्डेबल एनर्जी है वो प्रोवाइड करने के लिए काम है वो करती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कि इसकी स्थापना 1994 में 1993 के जो ऑयल क्राइसिस आए थे इसके बाद में की गई थी, और जो ओपेक कार्टल की कीमत थी उसके बाद इसका निर्माण है वो किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भारत है वो 2017 में अंतर्राष्ट्रीय, या हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसका एक सहयोगी सदस्य बना था। देखो हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में अगर फैक्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसके 30 कंट्रीज मेंबर हैं और 8 इसके सहयोग कंट्रीज भी हैं, और इनका मोटो यही रखा गया है कि लोगों जो कंट्रीज हैं, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, उनको विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ एनर्जी है अफोर्डेबल रेट पर वो प्रोवाइड करवाई जा सके। और इसकी जो स्थापना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, इसके बारे में हमने काफ़ी पहले एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, अभी 2-3 दिन पहले भी किया था एक आर्टिकल, कि इसकी जो स्थापना है वो 1973 में जो ऑयल क्राइसिस आए थे गल्फ वार हुआ था उसके बाद 1974 में की गई थी, ना कि 1994 में। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है वो हो जाता है, और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत है वो 2017 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक सहयोगी मेंबर बना था। ध्यान रखना इंडेक्स का पूर्ण रूप से मेंबर नहीं है, केवल सहयोगी मेंबर है वो है, मतलब इन 8 कंट्रीज में से है, ना कि इंडिया इन 30 कंट्रीज में शामिल है। तो ये फैक्ट थोड़ा कन्फ्यूज है वो कर सकता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी कि 1 और 3 है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पार्टनर्स फॉर्म को लेके, कि पार्टनर्स फॉर्म है वो रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसके बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो फॉर्म है वो स्टार्टअप बिजनेस के लिए है इंडिया में। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि डिफेंस पार्टनर्स ऑफ इंडिया उसका एक फॉर्म है, और तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बाल और जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी किशोर, बाल, नवजात और जो मातृत्व मृत्यु दर है उसमें सुधार करने के लिए है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे कि कार्बन उत्सर्जन और जो आर्कटिक ओशन में जो बर्फ पिघल रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उनकी चुनौतियों को कम करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप है, या फिर हम बात करें ग्लोबल एक तरीके से साझेदारी है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखो हम पार्टनर्स फॉर्म के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल फिट है, वो बैठता है। न्यूज़ में कहता वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में भी इसलिए था क्योंकि जो पार्टनर्स फॉर्म है इसका फोर्थ जो मीटिंग है, फोर्थ जो फॉर्म है वो इंडिया में भी रिसेंटली आयोजित किया गया था। किसके द्वारा?
इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको आयोजित है वो किया गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पार्टनर्स फॉर्म है इसका चौथा एडिशन इंडिया में आयोजित हुआ था, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार आयोजित था, इंडिया में इससे पहले भी इसका एक एडिशन है वो आयोजित किया जा चुका है। इससे पहले की जो एडिशन की बात करें, जो एक तो हुआ था जोहान्सबर्ग में 2014 में, 2010 में न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसके बाद में 2007 में तंजानिया में हुआ था। तो मतलब इंडिया में सेकेंड टाइम पे इसको होस्ट है वो किया गया है। अब देखो तीसरा ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इसका इसलिए सही है क्योंकि इसका मेन मोटो ये था इस फॉर्म का कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है या फिर जो एडोलेसेंट रेट है, यहाँ बात करें फिर चाइल्ड और न्यू बॉर्न जो बेबीज हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए इसका फॉर्म का निर्माण है वो किया गया था। तो ये डायरेक्टली आपको फैक्ट है वो यहाँ पे याद है वो रखना है। अब देखते हैं हमारी आज की डिस्कशन। देखो जो पहला आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। अब देखो हम देखते हैं, देखो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो मेनली इंडिया के आज़ाद होने के बाद ही ऑलमोस्ट आज़ाद हुई थी, मतलब 1947 के बाद वो कंट्रीज़ धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू हुई थी, और कुछ कंट्रीज़ तो उन 2000 के आसपास हैं वो आज़ाद हुई थी। आपको पता है कि अफ्रीका में जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी डेवलपिंग मतलब कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में शामिल होती है, मतलब काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। तो उन कंट्रीज़ के अंदर आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट भी रखे गए हैं कि भाई आपको 2030 तक के टारगेट अचीव करना है। अब आपको पता है कि उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी इतनी ख़राब है, आप बोल सकते हैं कि इतनी खस्ताहाल हालत है उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी की कि वो उन टारगेट्स को अकेले तो अचीव नहीं कर सकती। तो इसीलिए क्या हुआ है कि जो इटली की गवर्नमेंट है ना, उसने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ मिलकर अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये सेंटर स्टार्ट है वो किया है। तो ये आपकी है कंटेक्स्ट। तो इसमें देखो एक तो ये ध्यान रखना है कि इटालियन या इटली की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसी के साथ यूएनडीपी उन्होंने स्टार्ट किया, तो ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो अपने आप में हो जाता है। अब इसमें होगा क्या कि जो एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे गए हैं इसके साथ ही जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज को लेके, अब आपको पता है अगर किसी भी कंट्री को क्लाइमेट चेंज से अगर निपटना है तो उसके लिए उसके पास अच्छी तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी उसके पास काफ़ी सारे फीचर्स होना चाहिए, एडवांस मतलब इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, काफ़ी सारा पैसा भी चाहिए, नई नई रिसर्च के लिए भी फंड भी चाहिए। इसके साथ हम बात करें एक तरह का लेबर है उसकी भी जरूरत है, जिस स्किल्ड लेबर हो, तो वो सब अफ्रीका में प्रॉपर ढंग से अवेलेबल नहीं है। तो एक तरीके से क्या होगा कि जो G7 जो कंट्रीज हैं, G7 आपको पता है कि वर्ल्ड की जो टॉप लीडिंग इकोनॉमीज हैं वो उनका ग्रुप है G7, इसमें पहले रसिया भी शामिल था, तो उस टाइम पे ये था G8, फिर रसिया को भी बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि क्रीमिया का इश्यू हो गया था रसिया को लेके, तो इसलिए ये G7 ग्रुप है वो फिर बना रहा था। तो G7 जो कंट्रीज़ है ना वो अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलके काम करेंगी, और जो उसके पेरिस क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट हैं या फिर हम बात करें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट हैं उनको अचीव करने में उनकी हेल्प है वो करेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है इससे निपटने के लिए, इसके साथ ही सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको इम्प्रूव करने के लिए वो हेल्प है वो करेगी। इसके साथ हम बात करेंगे वाटर की एक्सेस प्रोवाइड कराई जाएगी, फूड सिक्योरिटी है उसमें हेल्प की जाएगी, क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटना है, क्या क्या उनको फोकस करना है, किस किस तरीके से वो स्टेप उठा सकते हैं, उनको जो स्किल की जरूरत है वो उनको प्रोवाइड है वो करवाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो होस्ट किया गया है ये अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये होस्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये फैक्ट है जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी इंडियन स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो है उसके द्वारा अपना जो पहला मानव युग जो अंतरिक्ष यान था मिशन है जिसका नाम है गगनयान, उसके लिए अभी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है वो ओपन किया गया है। होगा क्या इसमें, देखो एक तरीके से जैसे स्पेस में अगर किसी इंसान को भेजना, आपको पता है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि भाई स्पेस के अंदर किसी भी पर्सन को भेजा जा सके, मतलब कि जिंदा पर्सन को स्पेस में भेजा जाए, तो उसके लिए आपको पता है काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी होगी, प्रशिक्षण की जरूरत होती है, तो उन सब के लिए सेंटर है वो ओपन किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि ह्यूमन स्पेस जो फ्लाइट सेंटर है वो इसरो के द्वारा ओपन है वो किया गया। इसमें होगा क्या कि जो गगनयान जो परियोजना चलाई गई है उसमें जो भी ब्लड पर्सन जाएंगे तो उनके किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाए, किस किस तरीके से वो यहाँ पे काम करें, तो वो सारा इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे तैयार है वो किया जाएगा। और आपको पता है कि इंडिया के जो इसरो का इस बार टारगेट है कि 2019 में हमें गगनयान मिशन है वो भेजना है, और इसी के साथ ये टारगेट रखा है कि भाई 2020 और 2021 तक हम एट एनी कॉस्ट जो मानव रहित मिशन है इसरो का इसको भी हम सक्सेसफुली वहाँ पे लॉन्च है वो कर सकें। तो ये ध्यान रखना है कि इसरो का ये केंद्र है, बस ये फैक्ट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है यहाँ पे नमक सत्याग्रह साल्ट सत्याग्रह को लेकर। देखो गांधी जी को लेके भी एक आर्टिकल आए थे काफ़ी न्यूज़ में भी थे, तो हम इसको देख लेते हैं साल्ट सत्याग्रह को लेके। साल्ट सत्याग्रह है क्या वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बैकग्राउंड से हम इसके बारे में चलते हैं।
देखो दिसंबर 2029, सॉरी दिसंबर 1929 की बात हम करें तो उस दौरान जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में कांग्रेस का, उसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें सामने आई थी। पहली चीज़ तो ये थी कि जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष है वो चुना गया था। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था कि पूर्ण स्वराज्य की बात है वो की गई थी, और पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात है वो की गई थी। और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, देशभक्ति के गीत गाए गए और एक स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में हमने डिस्कस भी किया था कि भारत का संविधान है वो 26 जनवरी को लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया था, पूर्ण स्वराज दिवस है वो मनाया था। ये तो हो गया बैकग्राउंड। इसके बाद में क्या हुआ था, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने उस टाइम पे जो वायस राय इरविन थे उनको लेटर लिखा और अपनी 11 सूत्री जो मांगे थी उनका उल्लेख किया कि भाई हमें ये मांगे हमारी ये आप पूरी कीजिए। और उसमें मेन फोकस था नमक के ऊपर कि आप जो टैक्स लगा रहे हो उसको समाप्त किया जाए। देखो अंग्रेजों के टाइम पे क्या था, अंग्रेज काफ़ी समझदार थे, उन्हें पता था कि नमक तो हर किसान की या हर कोई भी पर्सन ले लो कि हर घर की जरूरत है नमक, नमक तो सबको चाहिए चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, नमक के ऊपर काफ़ी टैक्स लगा रहा था, मतलब नमक के ऊपर लगभग 15, 16 या 20 गुना तक टैक्स उन्होंने लगा रखा था नमक की रेट से भी। तो इसलिए नमक काफ़ी लोगों को महंगा मिलता था और लोगों को मजबूरी में खरीदना भी होता था, और इससे उसको काफ़ी अच्छा रिवेन्यू है ब्रिटेन को वो मिलता था, ये उनका मेन फंडा था। तो गांधी ने क्या किया कि गांधी ने सोचा कि सबसे सॉफ्ट कॉर्नर यही है कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की बात करें या फिर नेशनलिज्म की बात करें, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो सब लोगों को इफेक्ट कर सकती हैं उसको ही मुद्दा बनाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि नमक के ऊपर टैक्स लग रहा था इसको समाप्त करने के लिए मुद्दा बनाया, और इसमें सभी लोगों ने पूरे जोर से सपोर्ट है वो गांधी जी को किया। ये तो हो गया हमारा मैन इसमें बैकग्राउंड के साथ साथ। अब देखो हुआ क्या था, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती में जो उनका आश्रम था वहाँ से सत्याग्रह की स्टार्टिंग है वो की, और उन्होंने ये क्या कि वो दांडी पहुँच के नमक है वो बनाएंगे, और जो रूल रेगुलेशन बनाए गए अंग्रेजों की कि कोई भी नमक नहीं बना सकता तो वो रूल है वो यहाँ पे तोड़ेंगे। और गांधी जी ने यात्रा स्टार्ट की, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस यात्रा का ये था कि यह पहली ऐसी राष्ट्रवादी एक्टिविटीज थी जिसमें हमारे देश की महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग है वो लिया था और काफ़ी सफल भी है रहा था। इसके बाद गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंच के नमक बनाया और अपने आप को एक तरीके से क्रिमिनल घोषित कर दिया कि भाई देखो हमने अंग्रेजों का जो रूल बनाया था कि आप नमक नहीं बना सकते उस रूल को हमने तोड़ दिया। फिर काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो देखो ये डाटा तो रटने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट है वो हुआ, क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह चला रखा था और इसे गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और बस लोगों को यहाँ से नमक बनाने की छूट वो मिल गई, मतलब नमक पे टैक्स वगैरह वो यहाँ पे कम हो गया। ये हमने यहाँ पे नमक सत्याग्रह के बारे में डिस्कस किया। तो यूपीएससी यहाँ पे काफ़ी तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकती है कि एक तो ऐसे पूछ सकती है कि जैसे कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने थी कांग्रेस की, और उसमें कौन से दो इम्पोर्टेंट डिसीजन आए थे, इन सब के बारे में यूपीएससी है वो पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है ट्यूलिप उद्यान या ट्यूलिप गार्डन को लेके। देखो ट्यूलिप है वो एक तरह का पौधा होता है जो कि यूरोपियन प्रजाति है कुछ इस तरीके के, इसमें अलग अलग तरह के फ्लावर हैं वो होते हैं। आपने काफ़ी बार फोटोज या वॉलपेपर वगैरह में ये पौधे को जो फूल वगैरह हैं उनको देखा होगा। अभी कंटेक्स्ट ये आया है कि उत्तराखंड के अंदर पहला ट्यूलिप गार्डन है वो बनाने के लिए, मतलब उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, और यह उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन है वो पिथौरागढ़ जिले में बनाया जाएगा, जो कि बताया जा रहा है कि यह सबसे बड़ा होगा, मतलब इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यह होगा। लगभग 50 हेक्टेयर की जमीन पर इसको लगाया जाएगा। कहाँ पर यह रखा गया है, चंडक पर्वतीय शिखर, चंडक पर्वत है उसका जो शिखर चोटी है वहाँ पे इसको बनाया जाएगा, और यह बनाया जाएगा ONGC की जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ONGC के द्वारा जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व है जो पैसा दिया जाता है उसके थ्रू इसका निर्माण है वो किया जाएगा। तो एक तो ये भी ध्यान रखना है कि बनाया कहाँ पर जा रहा है, कौन से शिखर पर और किसके द्वारा, ONGC के द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इसका निर्माण है वो किया जा रहा है। अब थोड़ा हम बैकग्राउंड के कुछ फैक्ट देखते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ट्यूलिप गार्डन है वो अपने आप का पहला गार्डन है इस टाइप का, इससे पहले भी इंडिया में गार्डन वो बनाया गया जो बनाया गया श्रीनगर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, श्रीनगर में जो ट्यूलिप गार्डन है उसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। तो मतलब ट्यूलिप का मतलब पौधे एक तरह का पौधा है जो कि यूरोपियन प्रजाति है, और ये काफ़ी ठंड वाले एरियो में मेनली है वो उगाया जाता है। तो अभी उसका परीक्षण किया गया था उत्तराखंड में और वो सफल रहा, इसीलिए वहाँ पर गार्डन है वो लगाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में अपने आप का पहला नहीं है, ये सबसे बड़ा होगा, खैर वो अलग बात है, बाकी अभी तक जो सबसे बड़ा बना हुआ है वो है कहाँ पे एशिया का, वो यही है जो श्रीनगर के अंदर है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ये जो श्रीनगर में बना हुआ है ये बना हुआ है यहाँ पे
जबरवान रेंज में। तो ये थोड़ा फिर ध्यान रखना आप कि जो ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में बना हुआ है वो बना हुआ है जबरवाल रेंज में, जो कि डल लेक के किनारे पे है। तो ये अपने आप में दो फैक्ट हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है GDPR रेडीनेस इंडेक्स के बारे में। देखो आपको पता है कि पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था राइट टू प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी आए थे। हमने काफ़ी सारी चीज़ भी डिस्कस की थी कि इंडिया में कोई प्रॉपर ऐसा लॉ या कोई ऐसा कानून नहीं है कि डाटा प्रोटेक्शन को या डाटा प्राइवेसी को उसमें फोकस है वो किया जा सके। जैसे कि आपको पता है कि हम कहीं भी हमारी मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं तो फिर हमारे पास काफ़ी सारे मेल एक तरीके से मैसेज वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी कंपनी को हम जैसे मेल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं तो वो हमारा डाटा वो भेज देती है किसी दूसरी कंपनी वगैरह को, और फिर वो एक तरीके से उनको यूज है वो किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डाटा जो राइट टू प्राइवेसी है उसका एक उल्लंघन है। तो इसी को लेके ये जो आर्टिकल है ये अभी इंडिया की इंडेक्स को लेके पब्लिश किया गया है कि जो GDPR रेडनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया को 6th रैंक है वो मिली है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया इंडेक्स? ये जारी किया गया CISCO के द्वारा। एक तो ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे हम बात करें GDPR जो रेडनेस इंडेक्स की, देखो GDPR है वो मेनली यूरोपियन यूनियन के जो राइट्स हैं या यूरोपियन यूनियन के जो आप बोल सकते हो अधिकार हैं उनके तहत इसका निर्माण किया गया था। GDPR का मतलब है यहाँ पे जी का मतलब होगा जर्नल, डी का मतलब डेटा, पी का मतलब प्रोटेक्शन और रेगुलेशन। तो मतलब GDPR वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2016 में बनाया गया एक कानून था जिसका मेन मोटो ये था कि भाई जो भी कंपनी, आपको सिंपल से लैंग्वेज में बता रहा हूं कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी पर्सन का डाटा शेयर कर रही है, उस डाटे का यूज कर रही है, तो उससे पहले कस्टमर की अनुमति लेनी होगी, चाहे वो कुछ भी कर रही हो। जैसे कि ये मान लो कि एयरटेल कंपनी ने किसी कस्टमर का डाटा है वो किसी दूसरी कंपनी को दे रही है, तो उससे पहले कस्टमर से परमिशन लेनी होगी कि भाई हम आपका डाटा इस कंपनी को दे रहे हैं, आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते। अगर कस्टमर हाँ बताए तो उसी के बाद वो डाटा उस कंपनी को दिया जा सकता है, तीसरी कंपनी को, और उसके बाद अगर तीसरी कंपनी को भी वो डाटा किसी और को देना है तो उससे पहले कस्टमर की परमिशन होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो डाटा प्रोसेस हो रही है इसमें हर स्टेप पे कस्टमर की परमिशन काफ़ी जरूरी होती है। ये बनाया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा GDPR। तो इंडिया में भी इस एक्ट के तहत बात की गई थी कि भाई इंडिया में भी इस तरीके का एक एक्ट है वो आना चाहिए ताकि जो कंपनीज हैं वो अगर कोई भी कस्टमर का डाटा है वो प्रोसेस कर रही हैं तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। और ये यूरोप में कंपलसरी है कि भाई आप किसी के भी डाटा शेयर कर रहे हो तो पहले आपको उसकी अनुमति लेना जरूरी है, जबकि इंडिया में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये कुछ फैक्ट है, यूपीएससी पूछ सकते हैं कि GDPR जो एक्ट है वो कहां गया। तो ध्यान रखना यूरोपियन यूनियन का ये एक्ट है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन में जो एक्ट था डाटा प्रोटेक्शन के लिए उसका नाम था डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव रेगुलेशन। तो ये तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। कंटेक्स्ट ये है कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम चेंज कर दिया गया है, वो रखा गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देखो होता क्या था आपको बताऊं, जो एक्सटर्नल ट्रेड है हमारे देश का वो तो पहले आता था, हम बात करें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, और जो बात करें इंटरनल ट्रेड की वो आता था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो आप खुद देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि भाई इंटरनल ट्रेड है वो तो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और एक्सटर्नल ट्रेड आ रहा है वो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। तो इसलिए इसका काफ़ी विवाद हो रहा था और इसीलिए इसका नाम चेंज करके रखा गया है अभी कि यहाँ पे रखा गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड इंटरनल ट्रेड, मतलब इसमें इंटरनल ट्रेड को भी शामिल है वो कर लिया गया। तो ये बस कंटेक्स्ट ही है, तो आपको ध्यान रखना इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो उसको लेके भी न्यूज़ है वो आई है। ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।